बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिवाज यूके की तरफ से है। रिवाज यूके का ये पिंकिश वाइट ब्लैक फील ऑफ मास्क तकरीबन 4 से 5 साल पुराना प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस स्टार्टिंग में 300 रुपये कुछ थी, लेकिन अब ये 700 कुछ का हो चुका है। तो तब तो ये बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन काफ़ी देर से मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी ब्लैक हेड्स के बारे में, तो आई थॉट कि मैं इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। इसका काम क्या है, आपके फेस से डार्क स्पॉट्स ब्लैक हेड्स फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता था। तो मैंने अगेन इसको परचेज़ किया, तो आई थॉट कि मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे नोज़ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स की मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो रिव्यू लेके आगे हूँ मैं इसका, तो आज की वीडियो में शेयर करूँगा ये वर्थ बाइंग है कि नहीं, इससे कोई जदीद चीज़ आ चुकी है, ये आपने ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, यही सारा कुछ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो अंदर से कुछ इस तरह का ब्लैक सा दिखता है। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अपने नोज़ के एरिया पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगा ताकि ये मेरे नोज़ पे अच्छे से लग जाए, और इसको मैं थोड़ा सा दबा के लगा रहा हूँ ताकि ये मेरी स्किन के अंदर लगे और जो ब्लैक हेड्स है या वाइट हेड्स हैं उनको ये साथ इजी निकाल ले वाइट, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगा। आपको जहाँ पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा सकते हो, या फिर पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। फेशियल हेयर आपके अगर फेस पे है तो ये उतार लेगा। इसकी जो ग्रिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब ये मैं उतारूँगा आप लोग देखना मेरा ये हाल क्या करता, मतलब अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू। अब मेक श्योर जब आप ये यूज़ करो आपकी स्किन नॉर्मल होनी चाहिए, स्किन पे कुछ लगा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद मैं अब आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि ये उतरते वक्त कैसे है। तो एक साइड से इसका मैं थोड़ा सा पकड़ के उतारूँगा, ईजिली उतर जाता है, लेकिन ये इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। यकीन जानो ये सारे आपके जो फेशियल हेयर होगा ना वो तो ईजिली उतार देगा, और आपके नोज़ पे जो मतलब थोड़े से बड़े से ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी निकाल देते हैं। मेरी स्किन के साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी स्किन बहुत जल्दी रेड होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, लेकिन यकीन जानो ये उतारते वक्त मेरी आंखों से पानी आप लोग देख लेना, और ये जो एंड वाला एरिया था ना ये बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ था, पूरी तरह से ड्राई था। तो लेकिन ये काफ़ी अच्छे इसने काम किया, इसने मेरे फेस से ब्लैक हेड्स तो सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक निकाल दिए थे। अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्राइस 500 के करीब हो तो दी बेस्ट है, वरना मेरा फेस देखो कितना रेड हो गया, जैसे बद्दर की डैश जैसा रेड हो गया। लेकिन ये इसने मेरे नोज़ से जो छोटे छोटे बाल थे वो उतार दिए थे और मेरा नोज़ पूरी तरह से साफ़ हो गया था। अब करीब से भी देखोगे तो मेरा नोज़ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट यही शेयर करूंगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर दोस्त जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, या फिर आपकी स्किन बहुत जल्दी रेड नहीं होती। मेरी बहुत जल्दी रेड होती है, और ये आप देख सकते हो इसने काफ़ी मेरे नोज़ से गंद वगैरह उतार दी और मेरे नोज़ काफ़ी हद तक साफ हो गया। वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Move it tonight.